नमस्ते, गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं हमें ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और मैं हूं आपके साथ कुसुम प्रसाद। तो सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा ये अगला सत्र है सोशल साइंस का, हम लेकर आए हैं और टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, और इसे पढ़ाने के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं श्री सुशील कुमार जी। सुशील कुमार सर हैं पीजीटी हिस्ट्री के वी आसनसोल वेस्ट बंगाल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आपको भी, जी मैम आपको भी नमस्ते, और पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी बच्चों से। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये सोशल साइंस का सत्र है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले कि हम आगे सत्र बढ़ाएं, हम आपको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, किस तरह से आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं, किस तरह से अपने क्वेश्चन से आपकी कोई क्वेरीज हैं उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, वो है 8800440559 पर। आप इसे नोट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर। और एक और जरिया, एक और माध्यम हम तक पहुंचने का, वो है हमारे YouTube चैनल NCERT Official। NCERT Official के लाइव चैट में जाकर आप अपने मैसेजेस, अपने सुझाव हम तक दे सकते हैं, और ये आप NCERT पे कभी भी देख सकते हैं। NCERT के प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रोग्राम को आप कभी भी देख सकते हैं, और आप हमें इस वक्त फीडबैक ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो अब हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट श्री सुशील कुमार जी की तरफ। तो सर, हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो क्या कुछ है इसमें, आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए सर। जी मैडम, एक्चुअली क्लास 9 के सोशल साइंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस टुडे, और पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सेशन आज हम लेके आए हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसका पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक एक्चुअली लाइफ लॉन्ग रिमेंबर रखने वाला ये टॉपिक है। आपको जीवन के हर एक एस्पेक्ट में इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। इवन व्हेन यू विल फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। सो आप सभी से आग्रह है कि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान लगाकर सुने, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप YouTube के लिंक में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आप क्वेश्चन से आपकी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करें। जैसा कि बताया गया, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन क्या होता है, देन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। जो आज टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कितने तरह के होते हैं, एंड हाउ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किन चीजों से बनता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एंड आफ्टर डिस्कसिंग द three major organs, three main organs of the democratic institution, we will see how each and every organ of a democracy work. Or in this series, the first organ, that is legislature, how is the major policy or decision taken in the legislature, isko bhi hum detail se charcha karenge. Then legislature jo bharat ka hai, भारत की संसद है, तो भारत की संसद के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को भी जानने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंस्टीट्यूशन इज। एनी ऑर्गेनाइजेशन और द एस्टेब्लिशमेंट और द फाउंडेशन दैट इज एस्टेब्लिश्ड टू गवर्न ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्शन इज नोन एज इंस्टीट्यूशन। किसी भी संस्था को जब एक विषय, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्शन में जब काम करना होता है, उसे सुचारू रूप से चलाना होता है,
then such type of organization, establishment or foundation is known as institution. Even all the countries also need an institution so that that country can be governed smoothly. And such a political institution, such an institution for the country is known as political institution. अगर किसी देश को चलाने के लिए अगर संस्था की आवश्यकता होती है, अगर किसी देश को गवर्न करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता होती है, ऐसी संस्था political institution कहलाती है. And in this way, political institution is an apex body based on the mechanism of government, head of the state and its function. और इस तरीके से जब हम political institution की बात करें, डिटेल से अगर बच्चों को समझाया जाए, तो political institution मुख्य रूप से सरकार बनाने की प्रक्रिया, सरकार की प्रमुख और अन्य मंत्रियों का चयन, देन सरकार और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, उन लोगों के जो फंक्शंस हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उन सभी को मिला के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है. एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन पॉलिटी. एंड बच्चों, इन क्लास 10 यू विल रीड इन वेरी डिटेल अबाउट द पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी. हियर आल्सो वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग अबाउट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन. So now you have understood, I think you've understood the meaning of political institution. Now there are three type of political institutions traced in the world in the different time period and the different regions. Duniya bhar ka itihas dekh lijiye bachcho, mukhya roop se teen tarah ke political institutions ke parman mile. One is monarchy, second is authoritarian, third is democracy. पर बच्चों, आई डोंट थिंक कि आप लोग इन शब्दों से अपरिचित होंगे. क्लास 6 से ही बच्चों को मोनार्की के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में लगातार बताया है. ऑलमोस्ट इन दोनों टॉपिक के बारे में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. अथॉरिटेरियन शब्द में भी बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन इस विषय में भी बच्चों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जानकारी होगी. तो आगे बढ़ने से पहले हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा ब्रीफ डेफिनेशन मोनार्की, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेसी के बारे में दे देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनार्की, बच्चों आप सबको मालूम है, मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. देयर इज नो चॉइस ऑफ द पीपल टू इलेक्ट अ रूलर. हियर द किंग इज द रूलर which is selected, which is appointed on the basis of the dynastic succession. ये जो एक वंशन क्रम की जो परंपरा होती है, उसी के आधार पे यहाँ पे शासक बनाए जाते हैं, जो राजा कहलाते हैं. और monarchical system में political institutions के सारे power जो हैं, वो किनके पास होते हैं? राजा के पास. Second, authoritarian. बच्चों, authoritarian अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं मोनार्की के भी जो जो हेड है वो एक राजा भी हो सकता है और एक इलेक्टेड रूलर भी हो सकता है. बट whomsoever it is, maybe he comes from monarchy or maybe he comes from democratic form. एक बार वो शासक बन जाता है तो शासन की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेता है. Either it is the matter of cabinet or it is the civil servants, all are directly controlled and governed by the authoritarian ruler. Now, third is democracy. बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, democracy, a form of government that is elected by जनता के द्वारा चुनी जाती है. अब्राहम लिंकन ने democracy को सबसे बेहतरीन तरीके से define किया था. बच्चे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, democracy is the form of government of the people, for the people and by the people. So these are the three types of political institution. ये आप बच्चों ने से बढ़िया से समझ. Now, how a political institution is being constituted? एक political institution कैसे बनता है? कौन-कौन से इसके elements होते हैं? When we talk about a political institution, so the head of the state, the civil servant and the judiciary combined form a political institution.
and all these elements have different tasks assigned to them, and all these have to perform their assigned task separately. But it is not very easy or smooth performing of task for all these three elements. Why? Because all these elements have to follow the rules made by the political institution. देखिए कई सारे elements हैं और सभी elements को अपनी duties perform करनी है, लेकिन ये कई बार बहुत smoothly नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। Political institutions के द्वारा कुछ नियम, कुछ कानून बनाए जाते हैं। इन कानूनों से ये समस्याएं आती हैं। जैसे इन कानूनों के द्वारा कई बार लीडर्स जो होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके हाथ बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उनमें इंटरफेरेंस भी होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी जो परफॉर्मिंग ऑफ टास्क है वो समस्याएं क्रिएट करना शुरू हो जाता है। हालांकि इसका परिणाम क्या निकलता है कि कई बार जो रूलर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत समय का सामना करना पड़ता है, डिसीजन काफी डिलेड हो जाता है। लेकिन बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार लेट से लिया गया डिसीजन पब्लिक डिसीज के अगेंस्ट नहीं होता। कई बार किसी डिसीजन को लेने के लिए हमें एक मेजोरिटी तबके के लोगों का शेयरिंग करना पड़ता है, ओपिनियन शेयर करना पड़ता है, उनको साथ मिलाना पड़ता है ताकि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके, और उसके कारण डिले डिसीजन होता है। आइए आगे के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि आखिर एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका क्या काम है, वो किस तरीके से काम करते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जब हम बात करें तो इनके तीन ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। बच्चों इसके बारे में हम आगे और डिटेल से भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो स्मूथली चलती है उसके पीछे एक बड़ा रीजन है इन तीनों ऑर्गन्स का होना, क्योंकि इन तीनों ऑर्गन्स में ही सारी शक्तियां निहित होती हैं। ऑल द पावर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइज विद इन द थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेटिक कंट्री रन्स वेरी स्मूथ। और बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग थ्री ऑर्गन्स वाज डेवलप्ड बाय मॉन्टेस्क्यू, ए ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर। तीन ऑर्गन्स में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और एक जुडिशियरी होनी चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। इसका सिद्धांत सबसे पहले महान दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू लेकर आए थे। 1748 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अगर दुर्भाग्य से बचाना है किसी भी देश को, तो किसी देश को दुर्भाग्य से बचाना और उसके लिए सेफ गार्ड अगर क्रिएट करना है तो ये बहुत जरूरी है कि उस देश में जो निहित शक्तियां हैं उनको डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में बांटना जरूरी है, तभी हम देश को दुर्भाग्य से बचा सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू की फिलोसफी थी, उसी को लगभग सभी देशों ने अडॉप्ट किया, स्टार्टिंग विद यूएसए, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई तीनों ऑर्गन्स के बीच में शक्तियों का बंटवारा का जो सिद्धांत है बहुत तेजी से फैलता चला गया। नाउ जैसे कि बच्चों अभी बताया कि हम स्टार्टिंग करेंगे लेजिस्लेटिव, तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा। एन ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट which makes laws or takes decisions for the entire nation. किसी भी देश के लिए कोई भी निर्णय लेने का काम हो या कोई भी कानून बनाने का काम हो वो लेजिस्लेटिव नाम की संस्था करती है, लेजिस्लेटिव नाम के डिपार्टमेंट करती है।
लेजिस्लेटिव की जो सारी शक्तियां होती हैं वो कांग्रेस में निहित होती है और इस कांग्रेस को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे भारत में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं, ब्रिटेन में इसे कांग्रेस कहते हैं, ईरान में इसे मजलिस कहते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में जो कांग्रेस है उसका अलग अलग नाम है और इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत का लेजिस्लेचर भारत की संसद है। और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसका मूल काम, जो वो मूल रूप से जो काम करती है वो क्या है कि कानून को ड्राफ्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी केंद्र सरकार देश को कैसे चलाएगी उसके लिए कानून की ड्राफ्टिंग करना और उस ड्राफ्ट किए गए कानून को संसद के सामने प्रस्तुत करना, यही लेजिस्लेचर का मेन काम होता है। अब ये बच्चों को समझ में आ गया, अब क्या ये काम इतना आसान है कि सरकार को कोई कानून बनाना है, सरकार ने कानून लोगों के सामने इंप्लीमेंट कर दिया? नो बच्चों, कानून बनाना या निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। हम पहले इसके प्रोसेस को समझाएंगे, फिर एक एग्जांपल के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी कानून को इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि क्या इसके स्टेप्स हैं, किसी भी कानून को बनाने से पहले या किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या क्या स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू सर्वे द नीड ऑफ द लॉ। देखिए हर एक समाज में कई सारी समस्याएं रहती हैं, कई सारे डेवलपमेंट के इश्यूज रहते हैं, कई सारे मैटर्स रहते हैं और जनता की इच्छाएं या जनता के डिमांड उनको पूरा करने के लिए रहती है, वो सरकार पे दबाव डालते हैं। इस दबाव के परिणाम स्वरूप या लोगों की इच्छाओं के अनुरूप सरकार क्या करती है, एक कमीशन बनाती है जो इस बात का सर्वे करती है कि क्या इससे जुड़े हुए कानून को बनाने की आवश्यकता है। ये जो कमीशन बनता है उस कमीशन का काम है सर्वे करना और सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना। देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हेड्स द कैबिनेट मीटिंग टेक्स ऑल द मेजर डिसीजन। अब जो रिपोर्ट बनाया गया कैबिनेट में रखी जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री इस पे मेजर डिसीजन लेते हैं कि क्या इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पे डिसीजन लिया जाना चाहिए। इसके बाद ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में, और वहां पे उसे मेजॉरिटी से पास होना हो जाता है। देन इट गोज इन द हैंड ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके साइन करने के बाद कोई भी बिल एग्जिस्टेंस में आता है। अब एग्जिस्टेंस में आने के बाद क्या होता है, तब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करती है, एक ऑर्डर निकालती है, दिस ऑर्डर इज नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम। फाइनली द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट साइन दैट ऑफिस मेमोरेंडम। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी कानून है उस डिपार्टमेंट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उस पे साइन करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम पे और उसके बाद वो बिल जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाता है, जिसको बाद में एक्सिक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसके बारे में हम दूसरे सेशन में पढ़ें। बच्चों एक बात को यहाँ ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमने अभी एक बात करी थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से बिल को पास करना जरूरी है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओनली ऑर्डिनरी बिल्स नीड टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ बोथ टू हाउसेस। कोई साधारण बिल की जब हम बात करें उसी के लिए दोनों हाउसेस के मेजोरिटी का समर्थन हमें चाहिए होता है। बट इफ द बिल इज मनी बिल देन लोकसभा कैन अलोन पास द मनी। हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, हम लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स का कंपैरिजन करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा पावरफुल क्यों है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि मनी बिल से रिलेटेड इश्यूज पे केवल लोकसभा के पास अधिकार है, राज्यसभा को इस पे कोई अधिकार नहीं होता। अब जो ये बिल बनाने का पूरा फॉर्मेट की हमने बात की, किस तरीके से बिल बनाया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा एक बिल का फॉर्मेट दिया गया है। 1990s में एक बिल बना था अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन देने के लिए। ये बिल कैसे बना, किस तरीके से इसने काम किया, इन सारे मुद्दों पर चर्चा।
देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन देने के लिए कमीशन बनाया गया था, मंडल कमीशन। क्यों बनाया गया था? कि आजादी के बाद लंबे समय से इस बात की डिमांड चल रही थी कि भारत की जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनको सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे, सोशली एंड एजुकेशनली उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिसके कारण सरकार ने 1979 में एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। एंड दिस बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो इट इज पॉपुलरली आल्सो नोन एज मंडल कमीशन। चूंकि बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इसीलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन भी पड़ा। अब इस कमीशन का क्या काम दिया गया? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कमीशन बनाने के बाद सरकार इस कमीशन को जिम्मेदारी देती है कि वो जाके सर्वे करें और पता लगाएं कि क्या इस कानून की आवश्यकता है। यहाँ मंडल कमीशन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी कि वो पता लगाएं कि किस तरीके से इस बात का निर्धारण किया जा सके कि कोई भी कास्ट सोशियली और एजुकेशनली पिछड़ी है और कितनी पिछड़ी है, उसको कैसे उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बात का पता लगा। मंडल कमीशन ने सर्वे किया और इस पर एक रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी और उसके तहत उसने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए। और जो भी रिकमेंडेशंस मंडल कमीशन के सामने दिए गए उस पर पार्लियामेंट पे चर्चा। अब एज यूजुअल पार्लियामेंट पे इस पर गंभीर चर्चा हुई और बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की बात कही और इस विषय पे एक कानून बनाने का डिमांड किया। और संयोग से उसी समय भारत में चुनाव का, केंद्रीय चुनाव को फेस करना पड़ा। 1989 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उस समय जनता दल ने लोगों के सामने ये प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें चुनाव जिता देंगे तो हम इस विषय पे काम करेंगे, हम इस विषय पे कानून बनाएंगे। सो मे बी देर आर मोर रीजंस, और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनता को, चाहे जो भी हो, जनता को ये एक्सपीरियंस पसंद आया और जनता दल अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या हुआ, जनता दल की सरकार बनी और बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद लेट सिंह took all the measures to implement the bill। उन्होंने हर संभव यथासंभव प्रयास किया इस बिल को लागू किया जाए और इसका परिणाम स्वरूप फाइनली ये बिल OM नंबर 36012/3/90 13 अप्रैल 1990 को एग्जिस्टेंस में आ गया। जी सुशील सर, आप मंडल कमीशन के बारे में बता रहे हैं और सर हम इस सत्र को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, समय की कुछ सीमा है। जी 2 मिनट है और मुझे लग रहा है 1-2 पॉइंट्स हैं जो हो जाएंगे। सर शॉर्ट में अगर 1-2 पॉइंट्स आप बता दीजिए। जी अब हम स्ट्रक्चर की बात करें इंडियन पार्लियामेंट की। जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें इनके 3 ऑर्गन्स होते हैं, द लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट जो हमारे देश के फॉर्मेट हेड। लोकसभा को लोअर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स जो है अपॉइंट इलेक्टेड किए जा सकते हैं, हालांकि अभी 543 मेंबर्स हैं और इनके जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। 25 साल से ऊपर, 25 ईयर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है पब्लिक से चुने जाने के बाद। और लोकसभा के सदस्यों का जो मैक्सिमम जो टेन्योर होता है इट इज 5 ईयर्स। उसी तरह जब हम राज्यसभा की बात करें, दिस इज नोन एज अपर हाउस, और राज्यसभा के मेंबर जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है माननीय वाइस प्रेसिडेंट करते हैं भारत के, और 30 ईयर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। यहाँ पे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ बच्चों, लास्ट बट नोट द लिस्ट,
राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर 6 इयर्स होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता, व्हाट इज दिस जी। इसका एक प्रोविजन बनाया गया है कि 1/3 नंबर ऑफ मेंबर्स आर री इलेक्टेड आफ्टर एवरी 2 इयर्स, यानी 6 साल का जो टेन्योर है तो 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को बार बार चुना जाता है। बिल्कुल। और इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 250, तो इस तरीके से 6 साल के बाद टेन्योर जी जी सर। सुशील सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी हमें, हमारे स्टूडेंट्स लर्नर्स को बहुत ही विस्तार से बताया इस चैप्टर को। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी मैडम धन्यवाद, मिलते हैं हम दूसरे सत्र में। जी आगे का हम दूसरे सत्र में कम्प्लीट कर लेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस आगे का सर जो आगे सेशंस हैं वो पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, और आप जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से, बहुत सारी और भी ज्ञानवर्धक रोचक और तमाम शिक्षा से जुड़ी जानकारियों के लिए आप कनेक्टेड रहिए ई विद्या चैनल से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।